बाहर देखिए कोर्ट प्रमाइसेस में हमारे बारे ओए होए आज तो बारिश बहुत खतरनाक है भाई, कैसे जाएंगे घर, खत्म कैसे घर पहुँचेंगे, 5-10 मिनट रुकते हैं फिर फटाफट गाड़ी उठाते हैं घर में चलते हैं, तब तक बारिश हुए पानी में पानी देखिए कितना लग रहा है। ये देखिए भाई साहब अपने कंप्यूटर को बचा रखा है इन्होंने, छाता लगा रखा है, इधर से भी पानी बच रहा है और सामने से पन्नी लगा रखी है तो उससे भी बारिश का पानी अंदर नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया अच्छा जुगाड़ है, इंडियन जुगाड़ को चला सकते पानी भरता जा रहा है भाई साहब। हम देखिए जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ पर पानी जहाँ तक आ चुका है, हम यहाँ पर खड़े हैं अभी यहाँ तक भी आ सकता है। अब ये देखिए भाई साहब तैरते हुए जा रहे हैं, ये है हमारे कोर्ट्स की हालत। एक कोर्ट के अंदर की स्थिति है, बाहर तो जा रहा है ऐसे लग रहा है स्विमिंग करके जा रहा है, स्विमिंग ज़्यादा ही है सर यहाँ पानी, बाहर तो यहाँ यहाँ तक इधर से निकल लेते सर ये वाले से। अभी हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है जी सर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच, मैं पहले सबको नमस्कार करना चाहूँगा, आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम एडवोकेट विशाल बेदी है, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और जितने भी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वहाँ पर केसेस देखते हैं। अगर जिद है आसमान के हम पर बिजली गिराने की, तो हमारी भी जिद है वहीं पर आज के बना, दैट्स हाउ द लाइफ गोज। अगर आप जिद के साथ खड़े रहोगे ना, जिद पता क्या है, आप लड़ाई में करो, झगड़े में करो, अपने लोगों से दुश्मनी रखने में करो, बदले निकालने में करो, उससे बेटर है आप जिद अपनी करियर बनाने में करो तो आप सक्सेसफुल रहोगे। दैट्स ऑल आई कैन से, विल कट इट शॉर्ट और यहीं पे इसको चलिए, आपको बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग निकल चुके हैं एंड वेरी गुड मॉर्निंग, क्यूवीसी गुड मॉर्निंग कर दो। मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए, कुछ सामान वामान लाना है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कल रक्षाबंधन है, पहले तो वी विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन, और उसके बाद कल रक्षाबंधन है तो उसके लिए जोस्टा के, क्योंकि मम्मा पापा यहीं पर हैं तो सारे के सारे जितने भी लोग हैं जिसके ब्रदर्स वगैरह जो राखी बंधवाते हैं, प्रियांशु तो यहीं पर है जो इसका रियल ब्रदर है, बाकी जो कजन्स वगैरह वो यहाँ पर आएंगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान और थोड़ा बहुत जो भी इसको नेसेसरी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हम लोग लेने जा रहे हैं। अभी रक्षाबंधन है तो फिर ना गिफ्ट्स अगर मैं लेती भी हूँ तो देने भी पड़ते हैं बहनों को यार गिफ्ट्स, तो और फिर स्वीट्स भी आएंगी क्योंकि कुछ मीठा हो जाए वाला सिलसिला चलेगा तो वो सब भी आएगा, तो वो सब भी लेकर आना है, बंपी रोड आ गया पता लग रहा होगा, तो इसीलिए अब हम लोग वहीं जा रहे हैं, थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे, जो करेंगे थोड़ा बहुत दिखा देंगे आपको, जितना हमें लगेगा कि दिखाना जरूरी है दिखा दिया जाएगा, तो नहीं लगेगा उसको रहने दिया जाएगा, तो अभी चलते हैं फटाफट से, पहले इधर जाना है फिर उसके बाद सत्यम और प्रांशु पे अकेले थे तो कहते हम भी चलेंगे, तो हमें अभी उनको नहीं लेकर आए, बट देन अभी इसके बाद हमें एक और जगह पर जाना है, थोड़ा बहुत उन लोगों को भी शॉपिंग करनी है, अपने कपड़े वपड़े लेने हैं, तो फिर हमने कहा कि ठीक है फिर हम लोग उन लोगों को इसके बाद पिक करेंगे और फिर हम लोग सारे इकट्ठे दोबारा जाएंगे, क्यों जी। तो अभी मैं और ये निकले हैं, देखते हैं कुछ परचेजिंग करते हैं और फिर आप लोगों को वहीं चलकर मिलते हैं। सो वी आर डन विद परचेजिंग नाउ, मैं थोड़ा बहुत कर लिया है, जो हमें सामान की रिक्वायरमेंट थी वो सारा हमने ले लिया है, सब पीछे पड़ा है सामान, मेरा सामान हम लोगों का परचेजिंग डन। अब फाइनली ये तो कल का काम तो पूरा हो चुका है मेरी साइड से, जोसना की साइड से रह गया है इसको राखी वगैरह परचेज करनी है, तो मेरा तो ना बननी है ना मैंने बांधनी है, तो मेरा तो कोई लेना देना है नहीं, तो जोसना जा रही है अपनी परचेजिंग करने, मैं नहीं जाने वाला, पहले मैं सोच रहा था मैं इसको अकॉम्पनी करूँगा, बट देन मैं सोच रहा हूँ मैं घर पर ही रहूँगा, गर्मी भी बहुत है, सो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम, मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो वगैरह एडिट कर लेंगे ताकि आपको वीडियोज टाइम पर मिल जाएंगे। मौसम कैसा है आज का? हवा चल रही है बट बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी अभी भी है तो वो थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है, बाकी सत्यम को हमने बुलाया था 10 मिनट पहले, येलो टी शर्ट में लड़का कांटे कांटे क्या पहने सत्यम, हाय तो कर दे हाय हाय, ये 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 लड़का ऐसे अदाओं में जीत जाता है, बेहतरीन लड़का है हीरो है ये, एक बार बताऊँ जितने टेंटरम्स और जितना हिसाब किताब इसका ये चलता है ना, हिसाब किताब से कोई नहीं चलता यहाँ इतना, तो ये जोसा ध्यान नहीं रखते अपनी स्किन का जितना ये रखता है, हाँ, बहुत रखता है, वहाँ से काला होके आ जाएगा और यहाँ आके पूरा स्किन का ध्यान प्रॉपर, सर तुम कुछ कहना चाहते हैं तू, रखता है स्किन का ध्यान तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, सर तुम बेटा
इतना फंसा फंसा के रोहित की गोटे को वाट लगा दी है। नहीं ये निकाले अभी कर सकती है। ये इतना कंफ्यूजन कर देता है सत्यम माइक में बात। आप चंदन देखा ना सब सबकी गोल्टियों में पूछ रहा है। दिमाग क्यों घुसा हुआ है दूसरी चाल में? तू अपने आप को नहीं देख सकता मुझे। कोई फायदा ना है ये देखना। तू अपने आप चले करना कि तू माइक इस रोहित के पहले तीनों घुसवा दी अंदर। अब क्या स्टेटस है? कौन जीत रहा है? स्टेटस क्या है? यो अली सिंह देखा फायदा क्या था? यो 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 निकाल ले जाओ। एक तो अंदर चली जाएगी यार। रुक जा तू अपने अपने दिमाग से खेलो ना। खेलो तो तेरे भाई ने ढंग से। रोहित के तो पूरे गेम की वाट लगा दी तूने उठा के। बेचारा अच्छा खासा खेल रहा है वो अपने दिमाग से। ये खुद ही सबके पीछे लग रहा है कि गोटी ने सबके पीछे लगा रखी है। और तो मैं लगता भी कुछ काट देगा करके। अब चलो क्या चलना आपको? ये अंदर कर लो। ये बस रमन की काटने के चक्कर में ना सबकी काट देता। रमन ही काटेगा इसकी। मत हटा, यूं क्यों हटा रहा भाई? कॉल चलूंगा। ठीक है हटा ले। कॉल चलूंगा, पीछे वाले चलूंगा, दोनों कटवाऊंगा क्या अपनी? आजा भाई, भाई भाई आजा। एक बहुत कमाओ अच्छे बहुत आवे देख लियो। ये चल दो अंदर, ये बन गई पांच हो जाएगा ना, आपको एक और चांस मिल जाएगा। अच्छा भाभी क्या बता दिया आपने? चलो सेफ करो। अरे थोड़ा वीसा इसीलिए कहो अपने अपने दिमाग से खेला करो, कोई किसी का आईडिया मत दो अपने दिमाग से। चलो फिर देखते हैं। हां भाभी डोटा प्रैक्टिस है। डोटा क्यों है बेटा? ऐसा ना हो तुम सारे तुम सत्यम रोहित की कटवा रहे, पता लगे रोहित ही जीत के निकल जाए। तेरी भाभी के भी कटवा दी थी इसे भाभी। रमन पता क्या चाहता है कि इसको कोई भी टैक्टिक बताए ना किसी को भी। सबके आगे पीछे लगा लगे खुद ही चलाए थे। ये सत्य मेरे को लग रहा है गेम खेल रहा है बीच में। ये कमीना है साला। काटे भाभी काटे। आपके पास दो चांस है। चलो अब देखते हैं जीतता कौन है। अपनी मचाल लग रहा यू के हथ टाइम तो नहीं येलो ही रखा है।